शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का बाकी यही नामों निशान होगा। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है, यहाँ थ्योरी दूसरी है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं शहीद स्मारक, यहाँ पर शहीदों को लेकर के दो मत हैं, शहीदों को लेकर के दो तरह की बातें होती हैं। ये जो अंग्रेज 1922 में अंग्रेज सिपाही जो थे वो क्रांतिकारियों पर गोली चला रहे थे और उन गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच कई लोगों की मौत हुई, कई लोगों को फांसी की सजा हुई इसके आरोप में और कई लोगों को काले पानी की सजा हुई। सवाल ये है कि क्या वो जो काले पानी की सजा खाए, जो फांसी के फंदे पर झूल गए, जिनको आजीवन कारावास हुआ, देश के लिए जिन्होंने गोलियां खाई, क्या वे शहीद हैं या वे अंग्रेज सिपाही जिन्होंने भारत के सत्याग्रहियों पर, निहत्थे सत्याग्रहियों पर खून की गोलियां खेली और उन्हें लहूलुहान कर दिया, उनकी हत्याएं की? इस सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम बताते हैं कि ये जो स्मारक आप देख रहे हैं ये उन अंग्रेज सिपाहियों के हैं जो यहाँ पर इस थाने के अंदर सत्याग्रहियों की भीड़ के शिकार बन गए थे। ये उनके याद में स्मारक बनाया गया और इस स्मारक में बताया गया कि ये शहीद हैं, जबकि ये सिपाही, ये जो लोग हुए थे, ये अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, अंग्रेजी शासन तंत्र के लिए काम कर रहे थे और हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के खिलाफ इन्होंने बर्बरता दिखाई और उनके खून बहाए। सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने देश की स्वतंत्रता के लिए गोलियां खाई वे शहीद नहीं हैं, और जिन लोगों ने अंग्रेजों की मदद की, अंग्रेज सिपाही बनकर के अंग्रेजों के जुल्म को आगे बढ़ाया, क्या वे शहीद हैं? इस टीस के साथ, इस दर्द के साथ यहां लोग व्यथित हैं और ये आजादी के इतने साल बाद भी इस दर्द से छुटकारा नहीं मिला है।